हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मुझे धुलने हैं कपड़े, तो वही मैं भिगो रही हूँ। थोड़ा सा गुनगुना पानी है, हल्का सा गर्म किया है, ज़्यादा नहीं। इन दिनों में थोड़ा सा गर्म पानी हो और उसमें कपड़े डाल दो तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और थोड़े ही कपड़े हैं इसलिए मशीन नहीं लगाई, हाथ से ही धुल के डाल दूँगी। कल लगाई थी मैंने मशीन, कल बेडशीट वगैरह धुली थी तो इस करके कल मशीन वगैरह लगाई थी। और डबल बेडशीट थी और हैवी थी तो वो हाथ से धुलने बनती नहीं। तो अभी तो थोड़े हैं कपड़े तो इसलिए मैंने मशीन नहीं लगाई और बस इनको भिगो कर छोड़ दूँगी 10-15 मिनट के लिए। तो सुबह का तो नाश्ता पानी जो भी था सारा कुछ हो चुका है और आज छुट्टी भी है। पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी है स्कूल की, तो बच्चे भी घर पे हैं तो आराम से ही काम हुआ है। जब स्कूल जाते हैं तब थोड़ा काम की जल्दी होती है। तो सुबह का नाश्ता पानी तो हो गया है और अभी कुकर चढ़ा है मेरा, बन रहे हैं उसमें चावल। तो मैंने किचन की सफाई कर ली सारी और मेरे बर्तन वगैरह जो भी थे नाश्ता पानी के, तो वो सारे मैंने साफ करके रख दिए हैं। और इधर मैं पोछा लगा कर और फिर उसके बाद जाऊंगी कपड़े धुलने। तो अब पंखा चला दिया है मैंने, इन दिनों में ना पोछा जल्दी सूखता नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है। तो पंखा चला लेती हूँ तो उससे क्या है थोड़ा जल्दी सूख जाता है। इस साइड का भी मैंने पंखा चला दिया है क्योंकि जो ये वाले टाइल्स हैं वो पता नहीं कैसे हैं, वो तो बहुत टाइम लगाते हैं सूखने में। और जो किचन वाले हैं, वाले रूम के हैं ना, वो थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं। वो थोड़ा सा मतलब उनमें, उन टाइलों में जो किचन वाले रूम के हैं उसमें थोड़ा चिकनापन कम है और इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत टाइम लगाते हैं सूखने में। तो दो मुझे ना स्वेटर भी धुलने थे तो उसी को मैं इजी में डालूंगी, तो उसी के लिए मैं इजी पानी कर रही हूँ। एक स्वेटशर्ट है और एक मेरा स्वेटर है, तो बस इनको इजी में थोड़ी देर के लिए भिगो दूंगी। और एक बार मेरे से किसी ने पूछा था इजी क्या होता है, अब मुझे ध्यान नहीं है। जब मैंने ब्लैंकेट धुला था तो उस टाइम उस वीडियो में किसी ने मेरे से पूछा था कि इजी क्या होता है, इजी में क्यों धुलते हैं। तो अब ये नहीं पता किसने पूछा था, तो बस इजी क्या होता है, इजी तो एक मतलब ऊनी कपड़े धुलने का ही जो लिक्विड है वो होता है, ऊनी कपड़े ही धुले जाते हैं उससे, जैसे स्वेटर वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह। तो आज मुझे ध्यान आ गया जब मैं ये कपड़े अपने इजी में डालने लगी, तो अचानक वो कमेंट मुझे याद आ गया कि मेरे से किसी ने कमेंट करके पूछा था दीदी इजी क्या होता है और इजी में क्यों ब्लैंकेट धुल रहे हो, मतलब कंबल इजी में क्यों धुलते हैं। तो वही मैं
अब पता नहीं वो मेरी वीडियो देखेंगी या नहीं देखेंगी, लेकिन मैं मुझे ध्यान आ गया अचानक। तो बस ईजी क्या है कि ईजी में ऊनी कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और उन बिल्कुल सेफ रहते हैं ईजी में, ना तो उनका कलर और ना उनमें कुछ भी ख़राबी नहीं आती है, बिल्कुल नए की नए जैसे शाइनिंग करते हैं। तो बस गर्म कपड़ों के लिए ही ईजी होता है। होता है ऐसा, बहुत से लोगों को नहीं पता। अभी मैं अपने गांव गई थी तो मेरी देवरानी थी, तो वो भी जब मैंने मंगाया तो वो भी मुझसे पूछ रही थी कि ये क्या है और मतलब इसमें ये कपड़े हैं जो स्वेल स्वेटर ये इसमें कैसे धुल जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो उसमें से एक शैम्पू जैसा नज़र आया, तो वो पूछ रही थी इसमें कैसे साफ़ हो जाएंगे। तो उन्होंने भी मेरे से पूछा था। बहुत से लोगों को मतलब नहीं पता है। तो अभी जब मैं इजी में डालने लगी कपड़े, तब मुझे अचानक ही वो कमेंट याद आ गया कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि इजी क्या होता है और इजी में क्यों धुल रहे हो कपड़े। बस गर्म पानी होता है, थोड़ा उसमें कपड़े डाल दो तो कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा इस टाइम क्या है, वाटर वॉक्स का जहाँ भी ठंड पड़ती है और जिनके टंकी का पानी होता है ना वाटर वॉक्स वाला, तो वो ज़्यादा ठंडा लगता है। और ज़मीन का पानी जो होता है वो तो नॉर्मल होता है, उसमें काम कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़मीन का पानी जो होता है वो नॉर्मल निकलता है, और लेकिन जो टंकी का भरा हुआ पानी होता है वाटर वॉक्स वगैरह वाला पानी जो होता है ना, वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो उस पानी को बिना गर्म किए मतलब हाथ डालना नहीं बनता है उसमें, उस पानी में। तो इसीलिए मैं गर्म करके ही कपड़े वगैरह जो भिगोती हूँ, धुलने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और हाथ भी मतलब काम करने में हाथों को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो ठंडे पानी में हाथ एकदम सुन्न पड़ जाएंगे तो कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा मतलब मैं गर्म पानी में कपड़े नहीं भिगोती हूँ, नॉर्मल कर लेती हूँ, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गर्म रहता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी में कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। तो नॉर्मल कर लेती हूँ मैं पानी को, ज़्यादा गर्म पानी में नहीं डालती हूँ। और इनको दो चार पानी में ऐसे निकाल के और इधर ही ऐसे टांग दूंगी, 10-15 मिनट के लिए लटका दूंगी। उससे क्या है कि इनका सारा पानी निकल जाएगा। और ये सरफ का पानी है, यहाँ ब्रूश मार दूँगी, क्योंकि अगर ये जम जाएगा तो फिर फिसलन सी होने लगती है, ज़्यादा स्लिप होने लगता है पैर। और ये इतनी जगह है जो मैं यहाँ पे ज़्यादातर ब्रूश मार के ही साफ करती हूँ, क्योंकि यहाँ साबुन वगैरह का पानी ना जमे और फिसलन ना हो, इसलिए। बस मेरे कपड़े हो गए हैं और इनको ऐसे ही 10-15 मिनट लटका के ही रखूँगी, जिससे ना सारा पानी निकल जाएगा। और फिर इन्हें उठाकर मैं थोड़ा हल्की हल्की धूप निकली है तो डाल